Hello my dear students, welcome to LRNR classes. Today we are going to learn some fundamentals of computer. चलो देखते हैं computer का कुछ fundamentals. पहले हम समझेंगे क्या what is computer. देखते हैं computer होता है क्या. What is computer? Computer is a high speed electronic machine which makes our work easy. एक high speed electronic machine होता है जो कि हमारा काम को आसान कर देता है. कैसे? हमको अगर ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड से एक मिनट, लेकिन कंप्यूटर में ये वाला कैलकुलेशन एक दो सेकंड में हो पाएगा. इट इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर वर्क इजी. इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, ये हमसे डाटा लेगा. अगर ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो ये वाला डाटा हमसे वो लेगा. इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज ए आउटपुट. ये हमेशा हमको सही इन्फॉर्मेशन आउटपुट में प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं कंप्यूटर इज एक्यूरेट मशीन. ऑल्सो एक्यूरेट इसका एक कैरेक्टर होता है, वो हमेशा हमको एक्यूरेट आंसर ही देता है. आप देखते हैं हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स. हमने ये तो जान लिया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है. अब हम देखते हैं हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये वाला हम देखेंगे. कैसे काम करता है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपीओ साइकिल. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल क्या होता है देख लेंगे. Then what is IPO cycle? The IPO cycle is termed as input processing output cycle. IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, input processing output. मतलब computer receives the data as input. मैं जो definition में बताया था computer accept data from the user, ठीक वैसे ही computer receives data as a input. कंप्यूटर हमसे इनपुट लेगा, प्रोसेस इट एंड स्टोर इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट. वो हमसे डाटा लेगा, प्रोसेस करेगा एंड प्रोड्यूस आउटपुट, एंड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. मान लो हमारा लाइफ कैसे चल रहा है, हाउ डज आवर लाइफ वर्क्स. हम खाना खाते हैं, वी टेक फूड एज ए इनपुट एंड डाइजेस्टर है एंड एनर्जी प्रोड्यूसर है. हमारा लाइफ साइकिल भी इस आईपीओ साइकिल की तरह चल रहा है कि नहीं, ठीक वैसे कंप्यूटर का भी. हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपीओ साइकिल, जिसका मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस. अब हमने पढ़ा आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो कैसा होता है, कौन सा डिवाइस यूज करके आईपीओ साइकिल चल रहा है वो देखेंगे. कौन सा डिवाइस यूज करके हम इनपुट देंगे उसका हम कहेंगे क्या, इनपुट डिवाइस. जो डिवाइस प्रोसेसिंग करने में मदद करेगा उसका हम कहेंगे क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस. और जिस डिवाइस इस्तेमाल करके कुछ आउटपुट निकलेगा उसका हम कहेंगे क्या, आउटपुट डिवाइस. चलो हम देखते हैं ब्रीफली इनपुट डिवाइस क्या, देखते हैं क्या इनपुट डिवाइस. ए डिवाइस विच इज यूज टू एंटर डाटा इन टू ए कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. जिस डिवाइस यूज करके हम डाटा कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं उसका हम कहेंगे क्या, इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. कैसे, हम कुछ भी टाइप करने से वो डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, वो हमारा मॉनिटर का अंदर सो रहा है. माउस एक इनपुट डिवाइस है. कैसे, हम बाहर माउस को ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उसका पॉइंटर कहाँ पर दिखा रहे हैं, हमको मॉनिटर पर दिखा रहे हैं. वो हमारा कुछ भी ड्राइंग करने से, एमएस पेंट पे कुछ भी ड्राइंग करने से वो हमारा कहाँ पर दिखा रहा है, मॉनिटर पे दिखा रहा है. वो हमारा डाटा अंदर जाने में मदद करता है. उसके बाद वेब कैमरा, वेब कैमरा में से हम क्या कर सकते हैं, हमारा पिक्चर वो अंदर ले सकते हैं कंप्यूटर का. हम जो भी पिक्चर लेंगे हमारा, तो हमारा पिक्चर कंप्यूटर का अंदर दिखा सकता है. इसलिए कीबोर्ड माउस वेब कैमरा आर नॉन एज इनपुट डिवाइसेस. इसके अलावा भी हमारा बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस है. तो हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइस. आप देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है.
प्रोसेसिंग डिवाइस यूज टू प्रोसेस द इनपुट डाटा, जो हमने इनपुट क्या है उस डाटा को प्रोसेस करने में मदद करेगा कौन? प्रोसेसिंग डिवाइस। एग्जांपल क्या है? सीपीयू, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही एग्जांपल है, वो क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू, याद रखना, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द डाटा वी एंटर इनटू ए कंप्यूटर एंड रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। जो डिवाइस हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है वो डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। और जो डिवाइस हमको डिस्प्ले या हमारा जो इनपुट दे रहे हैं उसका वो डिस्प्ले कर रहा है उसका हम कहेंगे क्या? आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? हम जो भी एंटर करते हैं, जो भी इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो हमको वो डाटा डिस्प्ले कर रहा है, वो हमको वो डाटा डिस्प्ले कर रहा है, वो हमका वो डाटा डिस्प्ले कर रहा है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, कैसे? वो हमको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है? साउंड। स्पीकर से आउटपुट निकल रहा है साउंड, इसलिए स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? प्रिंटर से क्या निकल रहा है? पेपर, पेपर उसका आउटपुट है। जो डिवाइस से कुछ भी रिजल्ट निकल रहा है उसका हम कहेंगे क्या? आउटपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या है। अभी तक हमने समझाया इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है एंड प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस क्या है? जो डिवाइस यूज करके हम वी कैन सेंड डाटा इनटू ए कंप्यूटर, दोज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल क्या करा? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जिस डिवाइस से कुछ आउटपुट बाहर निकल रहा है उसका हम कहेंगे क्या? आउटपुट डिवाइसेस। या कुछ आउटपुट डिवाइसेस हमारा रिजल्ट को शो कर रहा है उसका हम कहेंगे क्या? आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, स्पीकर, वो सब रहा हमारे क्या? आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जिस डिवाइस हमको डाटा को प्रोसेस करने में मदद करता है उसका हम कहेंगे क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस। उसका एग्जांपल क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके कि हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? अब जो कंप्यूटर इनपुट भी ले लिया हमसे, प्रोसेस भी कर दिया, उसके बाद हमको आउटपुट भी प्रोवाइड किया, उसके बाद भी, उसके अलावा भी कंप्यूटर और एक चीज़ कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, वो हमारा डाटा को स्टोर करके रख सकता है। कैसे रख सकता है? स्टोरेज डिवाइसेस यूज करके। कैसे? स्टोरेज डिवाइसेस यूज करके। देन स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा, वो हमारा डाटा को स्टोर करते हैं। कौन? स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे कितना टाइप का स्टोरेज डिवाइसेस है? दो टाइप का। क्या क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल स्टोरेज हम और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का और क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आप देखते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइस क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस क्या है? जो सीपीयू के बॉक्स अंदर होते हैं उसका हम कहेंगे क्या? इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या डिवाइसेस है स्टोरेज डिवाइसेस? वो रहा हमारा रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। वो दोनों हमारा क्या रहा? इंटरनल या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद हमारा क्या आया? सेकेंडरी या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या है? वो डिवाइसेस सीपीयू बॉक्स अंदर नहीं होते हैं, सीपीयू बॉक्स अंदर नहीं होते हैं, वो डिवाइसेस को हमको बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो डिवाइस का हम कहेंगे क्या? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। क्या क्या स्टोरेज डिवाइस हमको बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा? पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, वो सब रहा हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का डिजिटल वर्चुअल डिस्क। और वो सब क्या रहा हमारा? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।